छिपकली अपने टेल को अपनी बॉडी से अलग कर देती है। इस बिहेवियर को ऑटोटॉमी कहते हैं। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और टॉमी का मतलब होता है सीवरिंग, मींस अलग कर देना। यह छिपकली का डिफेंस मैकेनिज्म होता है, मींस छिपकली ऐसा अपनी सेफ्टी के लिए करती है। जब कोई प्रीडेटर यानी कोई दूसरा जानवर छिपकली पर अटैक करता है तो छिपकली अपनी टेल को बॉडी से अलग कर देती है। बॉडी से अलग होने के बाद ये टेल लगभग 30 मिनट्स तक हिलती रहती है। टेल के हिलते रहने से प्रीडेटर का ध्यान टेल पर चला जाता है और छिपकली को बचकर निकलने के लिए टाइम मिल जाता है। छिपकली की बॉडी पे एक हॉरिजॉन्टल फ्रैक्चर प्लेन होता है, यानी एक वीक एरिया होता है। जब छिपकली अपनी मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करती है तो फ्रैक्चर प्लेन से टेल छिपकली की बॉडी से अलग हो जाती है। छिपकली में मिटियोसिस प्रोसेस के द्वारा टेल दोबारा बन जाती है। मिटियोसिस प्रोसेस में एक सेल दो आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाती है और दोबारा ये दो सेल्स चार आइडेंटिकल सेल्स में डिवाइड हो जाती है। ये प्रोसेस चलता रहता है जब तक टेल पूरी तरह से नहीं बन जाती। इस तरह से छिपकली ऑटोटॉमी बिहेवियर के द्वारा अपनी जान बचाती है और मिटियोसिस प्रोसेस के द्वारा अपनी टेल को दोबारा बना लेती है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना करें। फाइनली थैंक्स फॉर योर टाइम।